जी मैम, क्या बताएं कि मैम शादी एक बहुत जरूरी है, वरना हमने करनी नहीं थी। लेकिन जो लड़की है वो पराई होती है, आपको पता ही है कि माँ बाप नहीं रहे अभी इस दुनिया में। भैया भाभी ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने खुद कस्टोडियन के मकान में रहते हैं, मुझे मकान लेके दिया है। अगर मेरे मम्मी पापा होते अभी भी, अब भाई उन्हें अपना घर भी देखना है, फिर भी मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। मेरे आर्ट प्रोड्यूस वाले भी मेरी हेल्प करते हैं। मैम आपको पता कि दो बच्चों के साथ खर्चा कितना होता है, मेरे बच्चे फिर भी कहीं से अच्छे। आज तक हमारे पास अगर 10 रुपये भी नहीं हुए ना, बच्चे ने कभी जिद नहीं की कि मम्मा ये चीज़ लेनी है, कभी जिद नहीं की है। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम पारुल गुप्ता है, मैं डोक फ्लोड़ा से हूँ। 1000 रुपये से घर का गुजारा कैसे करती हैं बताएं? मैं बहुत मुश्किल से घर का गुजारा करती हूँ, मेरा इसीलिए रोना निकल रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। आप बताएं ना ताकि सरकार भी। मैम मैं कितना सरकार को बताऊंगी, आज मैं पहली बार नहीं कई बार आके राशन कार्ड बनाने के लिए गई हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट। अब कौन कौन सी बात बंदे को याद रहेगी, बर्थ सर्टिफिकेट तक अभी तक गवर्नमेंट ने निकाल के नहीं दिया। पहले पति का आधार कार्ड के नहीं निकलेगा, फिर कभी किसी अपने पे निकालो, उसके लिए कितना पैसा खर्चा। सोचो कि 7000 सैलरी में कितनी बार हम डॉक्यूमेंट्स देंगे और डॉक्यूमेंट्स वापस आएंगे, कितना दुख है हमें। और जो कि ये चीज़ें इन लोगों ने हमारे घर पहुँचानी चाहिए, और ना VPL राशन कार्ड है, और 1060 रुपए का सिलेंडर है, कॉपी पे है, और हैंडीकैप को क्या फैसिलिटी मिली है? कोई फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट कहती है हैंडीकैप के लिए बड़ी फैसिलिटियां निकली हैं, बड़ा कुछ है, हमारी कहाँ है फैसिलिटियां, हमें क्यों नहीं दिखती है बताइए, हम क्या करें? हमें आप बोलोगे हम ऐसे पूरा एरिया में चल के, आप मुझे अभी झाड़ू लगा के दो ना, अभी ये पूरी आपको सड़क साफ करके देती हूँ। अगर आपको कोई नहीं हमारे लिए काम दिख रहा, यही काम दे दीजिए, हम सड़क साफ कर लेते हैं, यही काम लगा दीजिए हमें। आप दिल्ली भी गए थे, आपके कुछ साथी दिल्ली गए थे, क्या वहाँ से कोई जवाब मिला? नहीं, हमारे साथियों को भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। मैं एक के लिए नहीं, मैं वहाँ यही, मैं सबके लिए लड़ने आई हूँ, और मेरे सबके लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए। और अगर नहीं कुछ कर सकते हमें ऐसा रोजगारी दिए, बहुत कुछ है, पैकिंग है, कुछ है, हमें भी विकलांगों के लिए बहुत से पैकेजेस हैं, बहुत से फायदे हैं, क्या कोई फायदा आज तक मिला आपको? नहीं मैम मुझे कोई फायदा नहीं मिला, वही मैं लेने आई हूँ, मुझे बताइए कहाँ मिलेगा, जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, बताइए जाना कहाँ है। जिस तरह से अगर बात करते हैं नौकरियों की, तो आपके लिए एक अलग स्पेशल कोटा होता है, क्या वहाँ से कभी आपको कोई जॉब के लिए कोई ऑफर या कभी आप गए? मैम कभी ऑफर भी नहीं आई, और कभी गए ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। पहले जाते हैं क्वालिफिकेशन के लिए बोलते हैं, वो भी लोग हैं आप चलो जो कि 8th पास हैं, 2nd पास हैं, उनको भी गवर्नमेंट जॉब मिली है। अगर आप बोल दीजिए अगर नहीं बिठाया उन्होंने, तो आप जो बोलोगे वो मैं अभी आपके सामने करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही मेरा ये सवाल रहेगा, अपने घर के बारे में बताएं, कौन कौन है आपके घर में, क्या क्या करते हैं, किस तरह से गुजारा हो रहा है? मैम पहले आंसू बयां कर रहे हैं। जी मैम क्या बताएं कि मैम शादी एक बहुत ज़रूरी है, वरना हमने करनी नहीं थी। लेकिन जो लड़की है वो पराई होती है, आपको पता ही है कि माँ बाप नहीं रहे अभी इस दुनिया में। भैया भाभी ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने खुद कस्टोडियन के मकान में रहते हैं, मुझे मकान लेके दिया है। अगर मेरे मम्मी पापा होते अभी भी, अब भाई उन्हें अपना घर भी देखना है, फिर भी मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। मेरे आर्ट प्रोड्यूस वाले भी मेरी हेल्प करते हैं। मैम आपको पता कि दो बच्चों के साथ खर्चा कितना होता है, मेरे बच्चे फिर भी कहीं से अच्छे। आज तक हमारे पास अगर 10 रुपये भी नहीं हुए ना, बच्चे ने कभी जिद नहीं की कि मम्मा ये चीज़ लेनी है, कभी जिद नहीं की है। मैम मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप समझ रहे हैं हमारा हक हमें दिला दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, जहाँ कहीं हमें लगता। गवर्नर मनोज सिन्हा सबकी सुनते हैं, आपको भी देखेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी अगर आप कर सकते हैं वो कुछ, तो हमें जल्दी से जल्दी हमारा हक दिला। आपके साथ जो साथी हैं वो भी साथी इसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, उनके भी घर ऐसे हैं, आप जैसी ही पूरी कहानी है, तो क्या कहेंगी, सबकी आवाज़ कैसे वहाँ तक पहुँचे? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप हमारी अगर वीडियो से देख रहे हैं, तो कृपया करके ये जल्दी से जल्दी उन तक पहुंच जाए हमारा संदेश। और हमारे साथी जितने भी हैंडीकैप हैं, वो ऐसे गलियों में रुले नहीं और बेचारे ऐसे तड़पते हुए आए नहीं, और उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा साधन बनाया जाए कि वो आराम से बैठ के काम कर सके। हैंडीकैप एसोसिएशन के आज कुछ सदस्य जो है वो अपनी बात को आगे तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। कब से कह रहे हैं कि मासिक जो इन्हें मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से वो 1000 रुपये, लेकिन 1060 रुपये का तो सिलेंडर ही आता है। ऐसे में विकलांग के लिए सरकार ने जो है वो स्पेशल क्या किया है, जब जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बनाया गया था तो कहा गया था इनको भी जो है वो स्पेशल
प्रोवाइड किया जाएगा, जिस तरह से अगर बात करें इनकी जो वेतन है उसे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यूटी बने हुए बहुत वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार ने जो है इन्हें कुछ स्पेशल पैकेज दिया नहीं है। तो ये दिल्ली में भी गए थे अपनी बात को पहुंचाने के लिए, बट इनके साथियों को वहां से अब तक कोई मैसेज नहीं आया। तो सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है कि हैंडीकैप यानी विकलांगों के लिए एक स्पेशल कोटा है, वो स्पेशल कोटा आज आपको दिख रहा है कि किस तरह से आंखों से जो है वो इनके आंसू जो है वो छलक रहे हैं। आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्बुलेटन न्यूज़। आशिक खान से तलाक।